कोरोना काल में जहां एक तरफ शासन प्रशासन आम जनता को घर पर रहने के लिए कह रहा है, तो वहीं ऐसे में आशा कार्यकर्ता लगातार लोगों की सुरक्षा के लिए मैदान में है। मामला भिंड का है, जहां आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब कोविड-19 को लेकर हम घर घर जाते हैं तो आए दिन हमले हो रहे हैं। साथ ही कहा कि जो हमें मजदूरी मिलनी चाहिए वो मजदूरी नहीं मिलती, कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता जिला अस्पताल परिसर में धरने पर बैठी है। वहीं मांगे न माने जाने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। मांग हमेशा से रही कि हमें नियमित किया जाए। भाई, नियमित करने के लिए आप जब तक अपनी पॉलिसी तैयार नहीं कर सके, तब तक कम से कम हमें एक सम्मानजनक और प्रोत्साहन राशि तो दे दीजिए। जो मजदूरी तय करी है आपने अकुशल श्रमिकों के लिए, कुशल श्रमिकों के लिए हमें उस कैटेगरी में तो लाइए। हम 2005 से सरकारी विभागों की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, एनजीओ की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, क्या हम अभी तक कुशल नहीं हुए? हम सेवा प्रदाता है, वो भी कुशल और प्रशिक्षित सेवा प्रदाता है। तो हम चाहते हैं कि हमें वो कुशल और प्रशिक्षित वाली न्यूनतम मजदूरी जो आपने 18,000 तय की है, कम से कम वो तो दी ही जाए।